हेलो जिंदगी आजकल में आप सभी का स्वागत है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर मेरे साथ मेरी वीडियोस देखने के लिए। आज की जो रेसिपी है बहुत ज्यादा हेल्दी बनने वाली है, तो आपको पूरी रेसिपी देखनी है, बीच में से छोड़कर आप नहीं जाएंगे। तो आज मैं लाइव आई थी और कुछ लोग मेरी लाइव पर भी आए थे, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और बातें हुई हमारी लाइव पर। तो जब भी मैं लाइव आऊंगी आप लोगों को बताऊंगी, आपके साथ जब मैं लाइव आऊंगी तो शेयर भी करूंगी और रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है मूंग की दाल और ये मैंने ओवरनाइट भिगोकर इसको रखा था और अच्छे से फूल गई है और ये गल भी गई है। अगर आप इस रेसिपी को बनाएं तो मूंग की दाल को ओवरनाइट भिगोकर रख दें तो ज़्यादा अच्छी बनती है ये रेसिपी। बहुत लोग मूंग की दाल को कम पसंद करते हैं और बच्चे तो खासकर इस दाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो आज जो मैं बनाने वाली हूँ मूंग की दाल, ऐसी बनाऊंगी, मूंग की दाल नहीं ये साबुत मूंग है, ऐसी बनाऊंगी कि सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है और ये पसंद तो आएगी, टेस्टी भी लगेगी और हेल्दी भी है ये। तो आप इसको जरूर बनाकर खाएंगे अगर देखेंगे कि मैंने इसको किस तरह बनाया है। और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है हमारी मूंग की दाल। तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ गैस पर मैंने कुकर रखा है और कुकर के अंदर डालेंगे हम साबुत मूंग जो कि हमने ओवरनाइट भिगोकर रखी थी, उसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इसके बाद मैंने आपको दिखाया नहीं था, आप दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर लिया है साबुत टमाटर जिसके अंदर ना मैंने कट लगाया हुआ है और साथ में मैंने ली है ये प्याज और प्याज के अंदर भी कट है और तीन चार कली ली है मैंने काट करके ये पीस बनाए हैं अदरक के, इसको भी हम इसके अंदर साबुत ही डाल देंगे दाल के अंदर। इसके बाद डालूंगी मैं इसके अंदर 2 पिंच हींग, एक चम्मच हल्दी पाउडर। बस यही चीज डालने के बाद हम इसको कर देंगे बंद। यहां पर 2 कप के करीब डालूंगी मैं पानी और पानी मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद मैंने यहां पर लिया है पनीर और मैं इसको कहां पर ऐड करूंगी वो भी आपको दिखाऊंगी, तो प्लीज वीडियो में बने रहें। तो 3 मिसल के बाद हम इसको कर देंगे बंद। तो मैं इसकी लिड को कर देती हूं अब बंद। कुकर को हमने बंद कर दिया है और 3 मिसल आने का मैं इंतजार करूंगी, तब तक हम कर लेते हैं अपने तड़के की तैयारी। मैं लिड को खोलूंगी और देखूंगी कि हमारी जो मूंग है वो कैसी हो गई है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो हमने सब्जियां डाली थी, टमाटर, प्याज और अदरक, कुछ इस तरह हो गए हैं और ये अच्छे से गल भी गई है। मैं आपको दिखा दूं तो ये अच्छे से, बहुत अच्छे से गल गई है। अब इसको हम तड़का लगाएंगे। मैं लूंगी यहां पर 1 चमचा और इसमें जो हमारे साबुत सब्जियां पड़ी हैं सबको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। अब आप चाहें तो इसको मैशर से भी मैश कर सकते हैं। तो इस तरह करने से हमें इसका जो सब्जी हमने डाली है बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा हमारी सब्जी के अंदर और ये मिक्स भी हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह के हो गए हैं मिक्स होने के बाद। अब तड़के की तैयारी कर लेते हैं अपने। गैस पर रखी है मैंने कढ़ाई और डाला है मैंने इसमें 1 चम्मच सरसों का ऑयल। ऑयल मेरा अच्छे से गर्म हो गया है, इसके अंदर डालूंगी 1/2 चम्मच जीरा और जीरा डालने के बाद हम इसको चलाएंगे और थोड़ा इसको करेंगे ब्राउन जीरे को। जीरा हमारा यहाँ पर ब्राउन हो गया है तो मुझे इसके अंदर और कुछ ऐड नहीं करना है। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर पनीर और पनीर को मैंने बारीक बारीक क्यूब में काट लिया है। इसको हम ब्राउन करेंगे पनीर को और बहुत ही अच्छी रेसिपी बनकर हमारी तैयार हो जाएगी ये। गैस को रखेंगे मीडियम फ्लेम पर, ब्राउन हो गया है हमारा पनीर यहाँ पर। इसके बाद डालूंगी मैं धनिया पाउडर 1 चम्मच, साथ में डालेंगे 1/2 चम्मच मिर्ची और चलाएंगे इसको। इसके बाद डालूंगी मैं 1/2 चम्मच इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्ची बहुत अच्छा कलर लाने के लिए। और ये सभी हमारे अच्छे से पक गए हैं, पनीर भी और मिर्ची, धनिया पाउडर सभी। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम दाल
यहाँ पर हमारी मूंग का कलर कुछ इस तरह हो गया है और इसको आधा मिनट के लिए और पकाऊंगी मैं। अभी मूंग और पनीर से हमारी डिश बनकर हो गई है तैयार और मैंने गैस को कर दिया है बंद। इसके बाद डालेंगे हम इसमें धनिया, जो कि बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट को बढ़ा देगा इसके। और बिल्कुल कंप्लीट हमारी डिश बनकर तैयार है, गैस को बंद कर दिया है, खाने के लिए सभी तैयार हैं। और आज की जो डिश है आपको मेरी कैसी लगी, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।